साल 2022 बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र जो कि 9 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म पर भी बॉयकॉट के बादल मंडरा रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा है। यूजर ब्रह्मास्त्र के बॉयकॉट को लेकर फिर से तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे कलाकारों से सजी फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। कई सालों में ये फिल्म बनकर तैयार हुई है, जिसके लिए करोड़ों रुपए मेकर्स ने दिए। अब 9 सितंबर 2022 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, मगर रिलीज से ठीक पहले ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट होना मेकर्स के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो आइए आपको ऐसे 5 कारण बताते हैं जिनकी वजह से ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट किया जा रहा है। पहला कारण, बॉलीवुड का बहिष्कार, इसीलिए ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट। कई यूजर्स ने बॉलीवुड के बहिष्कार की बात लिखी। उन्होंने कहा कि वह बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं, इसलिए वह इस फिल्म को भी नहीं देखेंगे और यही सभी से डिमांड करते हैं। दूसरा कारण, आलिया भट्ट के बयान को बनाया गया। ट्रोल सेना आलिया भट्ट एक अधूरे बयान के हालिया वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में आलिया कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर आपको उनकी फिल्म ठीक नहीं लग रही है तो मत देखिए। इस बयान को लेकर यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट किए। किसी ने कहा कि उनका यह घमंड बोल रहा है, तो किसी ने कहा कि उन्हीं की यह बात मानते हुए वे ब्रह्मास्त्र देखने नहीं जाएंगे। तीसरा कारण, ब्रह्मास्त्र के स्टार्स को ट्रोल आर्मी हिंदू विरोधी बता रही है। ढेर सारे ऐसे फोटोज और वीडियोस को शेयर कर तर्क दे रही है कि आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन ने धर्म का अनादर किया है और ऐसे में वह उनकी फिल्म कतई नहीं देखेंगे। चौथा कारण, ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड के स्टार्स भी एकदम राजनेताओं की तरह होते हैं। जैसे चुनाव से पहले राजनेता मंदिर से मस्जिद तक जाते हैं और प्रचार करते हैं, ठीक वैसे ही हर फिल्म के पहले स्टार्स भी मंदिर और ऐसे स्थानों पर जाते हैं और एजेंडा सेट करते हैं। पांचवा कारण, ट्रोलर्स ने 26/11 के हमले के आरोपी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ राहुल भट्ट की फोटो शेयर की। ट्रोल सेना ने कहा कि ये परिवार ऐसे आतंकवादियों का अजीज रहा है, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करना चाहिए। बता दे, पिछले कुछ दिन पहले भी ब्रह्मास्त्र को लेकर आलिया और रणवीर ट्रोल हुए थे। ब्रह्मास्त्र एक मेगा बजट फिल्म है, जिस पर 350 करोड़ से भी ज्यादा का बजट खर्च किया गया है। वहीं अब ये फिल्म रणवीर कपूर के लिए बेहद खास है, क्योंकि उनकी शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अब आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।